हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज ज्योग्राफी के जो 1500 से 2000 प्रश्नों वाली जो श्रृंखला चल रही थी, जो सीरीज चल रही थी, उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज हम लोग जो है वो अयस्क के बारे में जो देख रहे थे, उसके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी लेंगे, उद्योगों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, कि मतलब कौन सा राज्य के कौन से कंट्री के हेल्प से कौन सा स्टील प्लांट का जो है ना एस्टेब्लिशमेंट होता है, कौन से उद्योग का स्थापना होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उद्योगों में सब के बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। इसमें आपको जोड़ी मिलाने वाला है। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपको जो ये मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उसका प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है। ठीक है, कुछ मिनरल्स हैं आपके सामने और आपको उसके सामने जो है ना आपको क्या दिया हुआ है, स्टेट्स का नाम, कि कौन सा जो है ना आपको स्टेट्स कौन से मिनरल्स का प्रोडक्शन करता है। लोहा खनिज की अगर मैं बात करूं, जो जो लोहा ओर होता है, जो आपको अंग्रेजी में इसको आयरन ओर बोलते हैं, तो ये आयरन ओर का जो है ना प्रोडक्शन कौन करता है, तो आपको उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का जो बैलाडीला खदान है वो लोहा के अयस्क के लिए आपको फेमस है। बैलाडीला जो है ना आपको उड़ीसा का, वो आपको आयरन ओर के लिए फेमस है। तांबा का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो मैंने बताया था आपको कल परसों भी कि आपको जो तांबा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान करता है। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, राजस्थान में कौन सा जगह है, खेतड़ी, जो कि आपको तांबा के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और सोना की अगर मैं बात करूं, तो वो जो सोना है उसका प्रोडक्शन कौन करता है, तो कर्नाटक, कर्नाटक में कोलार है। कोलार जो आपको, आप लोगों ने एक मूवी भी देखा होगा, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये जो है ना आपको सोना का प्रोडक्शन के लिए आपको जो है ना इसी से आपको रिलेटेड है आपको KGF मूवी। ठीक है, तो ये जो आपको सोना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट करता है भारत में, तो कर्नाटका करता है। वो कौन सी खदान है जहां पे सोना का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो है आपको कोलार गोल्ड है। कोलार गोल्ड जो फील्ड है, कोलार जो आपको खदान है, वहां पे सोना का प्रोडक्शन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है ना कौन सा स्टेट प्रोडक्शन करता है सोना का, तो भारत में आपको कर्नाटक। और अभ्रक का लास्ट में बचा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है ना सबसे ज्यादा अभ्रक का प्रोडक्शन करता है। तो हम लोगों ने देखा ये सब सारी जो आपको स्टेट्स हैं जो कौन से खनिज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो अभ्रक का हम लोगों ने क्या देखा, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक का हम लोगों ने क्या देखा, सोना का जो है ना हम लोगों ने क्या देखा, कर्नाटक का जो कोलार जो आपको फील्ड है, जो कोलार की खदानें हैं, वो आपको सबसे ज्यादा सोना का प्रोडक्शन करती हैं। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने तांबा का क्या देखा, तो तांबा का हम लोगों ने राजस्थान का जो खेतड़ी वाला जो बेल्ट है, खेतड़ी वाला जो एरिया है, वो आपको सबसे ज्यादा तांबा का प्रोडक्शन करता है। और एक और था लोहा का, तो लोहा का आपको उड़ीसा का जो बैलाडीला खदान है, वो आपको जो है ना लोहा के प्रोडक्शन के लिए, आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ी मिला लीजिएगा, आपको जो भी होगा लोहा का ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ये बी और डी ऑप्शन आपके सामने ऐसे ही कट जाता है। फिर तांबा का क्या होगा आपको, मतलब तांबा का राजस्थान मैंने बताया, तो आपको बी का थर्ड, तो बी का थर्ड मतलब आपको सी में भी थर्ड नहीं है, सी ऑप्शन भी कट जाता है। बस दो ऑप्शन आपको पता रहता तब भी आप जो है ना इसको कर सकते थे, बाकी के जो है ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको बी के थर्ड जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। और आगे की ओर अगर ऐसे भी देखना चाहते हैं, तो हमने क्या बताया था, सोना का जो है ना कर्नाटक मतलब सी का दो, तो सी का दो केवल ऑप्शन ए में है इस तरह से। और अभ्रक का प्रोडक्शन कौन करता है आपको सबसे ज्यादा, तो आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से सी डी का क्या हो जाएगा, फोर, इसलिए हमारा पहला उत्तर सही होता है ए। ठीक है, आगे की ओर हम लोग अगर कंटिन्यू करें, तो हमारे पास फिर सेकंड से जो है ना आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको फिर से जोड़ी मिलाने वाला ही है। ठीक है, तो सोना के लिए जो है ना अभी हमने क्या बताया था, कोलार। देखिए इस बार जो है ना आपको क्या दे दिया है आपके सामने, ऑप्शन, ऑप्शन में खाद्यान्नों के नाम दे दिए हैं, अब इस बार स्टेट का नाम नहीं है, तो हम लोग को बताना है कि सोना का प्रोडक्शन जो है ना कौन से खदान में होता है, तो कोलार वाला जो क्षेत्र है उसमें जो है ना आपको सोना का प्रोडक्शन होता है। ये आपको कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैंने अभी बताया कि कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे जो है ना आपको ये आपको लोकेटेड है। तांबा का हमने बताया क्या, खेतड़ी बताया। ठीक है, वैसे भी उड़ीसा में जो है ना आपको उड़ीस, ये रहा आपको लोहा का क्या, कुद्रेमुख। लोहा का कहाँ पे है आपको, कुद्रेमुख। और झारखंड का जो झरिया है, झारखंड का कौन सा झरिया क्षेत्र है, वो आपको कोयला के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो जोड़ी मिला लीजिएगा जो भी होगा। ठीक है, देख लेते हैं सोना का क्या मैंने बताया, कोलार, तो आपको ए का सेकेंड, तो ए का सेकेंड, पहला
पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। पहला सही पता चल जाता है, आगे देखने की वैसे जरूरत नहीं है। फिर भी ए का सोना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है कोयला का, बी का चार, तो बी का चार ठीक है। उसके बाद तांबा का प्रोडक्शन अभी जस्ट हमने बताया, रिपीट हो गया, तांबा का प्रोडक्शन जो है ना राजस्थान का जो बेल्ट खेतड़ी वाला जो बेल्ट है वहां पे तांबा के प्रोडक्शन के लिए वो वाला बेल्ट फेमस है ठीक है। लोहा का प्रोडक्शन आपको कुद्रेमुख ठीक है। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, भारत में हीरा की खदानें कहाँ पे है? तो भारत में हीरा की खदान मध्य प्रदेश में एक पन्ना जिला है, क्या है? पन्ना, छतरपुर के आसपास ये जो आपको जिला लोकेटेड है, ये आपको हीरा की खदानें के लिए आपको फेमस है। आप लोगों ने ऐसे भी जो है ना ज्वेलरी का नाम होता है हीरा पन्ना ज्वेलर्स ऐसा समथिंग करके, तो आप लोग ये मध्य प्रदेश में जो आपको पन्ना का जो आपको क्षेत्र है उसमें आपको हीरा खदान के लिए आपको फेमस है। तो हीरा की खदान कहाँ पे है? आपको मध्य प्रदेश है, जो कि आपको पन्ना के बेल्ट में आपको उसकी खदानें देखने को मिलती हैं ठीक है। पन्ना का आप लोगों ने नाम सुना होगा ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल में बहुत ज्यादा मतलब पाया जाता है? केरल में मोनोजाइट जो अयस्क है वो आपको केरल में पाया जाता है। मोनोजाइट जो आपको अयस्क है वो थोरियम का अयस्क है। ये है किसका अयस्क भाई? तो थोरियम जो है ना आपको एक एलिमेंट होता है ठीक है, ये थोरियम मेटल का अयस्क है, थोरियम धातु का अयस्क है मोनोजाइट, जो कि कहाँ पे पाया जाता है आपको? केरला में पाया जाता है ठीक है। तो कौन सा खनिज केरल में बहुत ज्यादा पाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? मोनाजाइट, जो कि आपको केरल में पाया जाता है, वो आपको थोरियम का अयस्क है। जादू घोड़ा आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। जादू घोड़ा किसके लिए फेमस है आपको? यूरेनियम के लिए। जादू घोड़ा आपको यूरेनियम के लिए फेमस है ठीक है। अगर अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला। कोयला से सबसे ज्यादा जो है ना आपको ऊर्जा प्रोड्यूस किया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा जो है ना एनर्जी का प्रोडक्शन आपको कोयले से किया जाता है। जैसे आप लोगों ने एनटीपीसी वगैरह एनएसएसआर बिजली की जो संयंत्र है सब जो है ना आपको काम करते हैं, जो बिजली आती है वो सब एनर्जी जो है ना आपको किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? कोयला के द्वारा किया जाता है। तो भारत में ऊर्जा का जो है ना स्रोत क्या है सबसे बड़ा? तो कोयला है ठीक है। हमारे पास अगला प्रश्न है, रामागुंडम जो है ना सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है? तो रामागुंडम आंध्र प्रदेश में। सुपर थर्मल पावर जो रामागुंडम है वो आपको आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में रामागुंडम सुपर थर्मल पावर लोकेटेड है ठीक है, आंध्र प्रदेश में। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो तारापुर में हुई थी। भारत में पहला न्यूक्लियर ऊर्जा जो स्टेशन था उसकी स्थापना महाराष्ट्र में एक तारापुर जगह है, उस तारापुर में जो है ना आपको स्थापना की गई थी प्रथम न्यूक्लियर, प्रथम नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन की स्थापना, प्रथम नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन की स्थापना, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन की स्थापना कहाँ पे किया गया था? आपको तारापुर, जो कि आपको महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आगे हम लोग बात करते हैं, आपको कुछ जो है ना आणविक शक्ति केंद्र दिए हुए हैं और कुछ स्टेट दिए होंगे, उसको जो है ना जोड़ी मिलाना है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, गुजरात ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे गुजरात जो है उस वो आपको काकरा पार, काकरा पार जो आणविक शक्ति केंद्र है कहाँ पे है? गुजरात में है। काकरा पार गुजरात, काकरा पार का जो अणु शक्ति केंद्र है वो आपको कहाँ पे है? गुजरात में है। काकरा पार का जो आणविक शक्ति केंद्र है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कर्नाटक का जो है ना आपको कैगा, कर्नाटक कैगा जो है ना आपको आणविक शक्ति केंद्र कहाँ पे है? कर्नाटक में। कैगा आणविक शक्ति केंद्र कर्नाटक। रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान। और उत्तर प्रदेश का जो है ना आपको आणविक शक्ति केंद्र नरौरा में स्टेब्लिश्ड है ठीक है। जो नरौरा उत्तर प्रदेश का जो आपको आणविक शक्ति केंद्र है वो नरौरा में है ठीक है। आप लोग फिर से देख लीजिए, आप लोग याद हो जाएगा। गुजरात का हमने क्या बताया? काकरा पर जो आपको आणविक शक्ति केंद्र है वो गुजरात में है ठीक है। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। रावत भाटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और आपको नरौरा जो आपको आणविक शक्ति केंद्र है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। आप लोग जोड़ी में जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं। गुजरात काकरा पार ए का क्या है? सेकंड। तो ए का सेकंड सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ही, इसलिए ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही। आगे देखने की वैसे भी जरूरत नहीं थी लेकिन मुझे तो पूरा बताने का काम है, इसलिए गुजरात का काकरा पार, कर्नाटक कहेगा तो बी का क्या होगा? चार होगा। बी का चार ठीक है, इससे भी जो है ना क्लियर हो जाता है। सी का राजस्थान, रावत भाटा जो आणविक शक्ति केंद्र है वो कहाँ पे है? राजस्थान में। तो सी का क्या हो जाएगा? तीन। और उत्तर प्रदेश नरोरा जो है ना, उत्तर प्रदेश का जो आणविक शक्ति केंद्र है वो नरोरा में है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कुडनकुलम आपको तमिलनाडु में, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपको कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर स्टेशन है, वो आपको किस राज्य में लोकेटेड है, किस राज्य में सिचुएटेड है, तो आपको उसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थित है। राणा प्रताप सागर जो है ना आपको कोटा में है। राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पे है, कहाँ पे है? ठीक है, चंबल नदी, राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर जो डैम है वो चंबल नदी पे है। ये राणा सागर प्रताप विद्युत गृह कहाँ पे है आपको? कोटा में है। कहाँ पे है? चंबल नदी के आसपास। ठीक है, कोटा भी जो है ना आपको चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये राजस्थान का एक शहर है। ठीक है, कोटा, राणा प्रताप सागर जो है ना आपको विद्युत गृह स्थापित है, तो कहाँ पे? कोटा में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये भी आपको कहाँ, कौन से नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पे है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पे। चंबल नदी पर राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अभी तो हमने बताया कि चंबल नदी पर जो है ना आपको राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना जो बनाया गया है, ये जो जल विद्युत प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, ये आपको कोटा में स्थित है। और ये कोटा किस राज्य में आता है? तो राजस्थान में आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो आपको चंबल नदी पर बनाया गया आपको जो ना जल विद्युत प्रोजेक्ट है वो आपको राजस्थान राज्य के कोटा में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर अगर मैं कंटिन्यू करूं तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना सबसे अधिक है? पवन ऊर्जा के विकास की संभावना जो है ना सबसे ज्यादा तमिलनाडु और गुजरात में है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु और गुजरात। भारत के आपको, भारत में एक दो ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको विंड एनर्जी का जो है ना पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, ये दोनों स्टेट में आपको विंड एनर्जी का संभावना बहुत ज्यादा है, यहाँ पे विंड एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, जितना किया जा सकता है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन किया जाता है विंड एनर्जी भारत में। ठीक है, कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन, विंड एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गुजरात करता है, सबसे ज्यादा, लेकिन जितनी क्षमता है उतना नहीं करता है गुजरात आपको, प्रोडक्शन क्षमता के अकॉर्डिंग कम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का जो है ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो गुजरात। ठीक है, वहां पे और भी पॉसिबिलिटीज हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में क्या क्या लाया जाता है? तो क्रोमियम और निकल। क्रोमियम और जो निकल है ये जो है आपको स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रोमियम और निकल आपको ये दोनों एलिमेंट का उपयोग करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। जब आप ब्लेड, शेविंग ब्लेड देखते होंगे तो उसमें आपको स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ दिखता होगा, तो वो जो स्टेनलेस स्टील जो ब्लेड बनाया जाता है वो आपको क्रोमियम और निकल का बना होता है। ठीक है, बोकारो जो स्टील प्लांट है झारखंड में लोकेटेड है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है भाई? तो झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड में ये जो है ना बोकारो स्टील प्लांट है, इसका निर्माण किस, कौन से कंट्री के सहयोग से हुआ था? तो विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, मतलब रशिया भी कह सकते हैं, इसका पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यही यूएसएसआर जो है ना आपको जब आपको डिजोल्व होता है, इसी का विघटन होता है 1990s में, 1991 में होता है, तो ये आपको जो है ना उसका जो आप उत्तराधिकारी राज्य कौन सा बनता है? रसिया। इसका जो भी ऑप्शन होगा रूस या यूएसएसआर, दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा। तो बोकारो स्टील प्लांट का जो है ना एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? विद द हेल्प ऑफ रसिया, रसिया के सहयोग से आपको बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था। झारखंड राज्य में जो कि लोकेटेड है बोकारो स्टील प्लांट, उसका जो है बोकारो स्टील प्लांट को जो है ना रसिया के सहयोग से निर्माण किया गया था। हमारे पास जो है ना फिर से ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो आपको दिख गया पहला ही जो है ना जोड़ी सही नहीं है। भिलाई जो स्टील प्लांट है वो आपको मध्य प्रदेश में ना होकर के छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है भिलाई स्टील प्लांट? मध्य प्रदेश में ना होकर के ये छत्तीसगढ़ में है। तो यही क्या पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो कौन सा जो है ना जोड़ी आपको जो है ना मैच नहीं है, कौन सा जोड़ी जो है ना सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है ना सही नहीं है। तो यही वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि भिलाई जो स्टील प्लांट है वो आपको छत्तीसगढ़ में है।
वो मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कौन सा गलत है ये पूछ रहा था, तो यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। खैर आगे की ओर देख लेते हैं, तो दुर्गापुर वाला स्टील प्लांट कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है, ठीक है। जमशेदपुर वाला जो स्टील प्लांट है जिसका एस्टेब्लिशमेंट आपको जो है ना 1907 में किया गया था, ये आपको झारखंड में है था, आपको ये झारखंड में है। जमशेदपुर स्टील प्लांट कहाँ पे है, झारखंड में है, जिसका आपको जो है ना रतन जी टाटा जो है ना जिसके फाउंडर हैं, उन्होंने जमशेद जी टाटा जो सॉरी जमशेद जी टाटा जो है ना उसके फाउंडर हैं, उनने आपको जो है ना आपको जमशेदपुर स्टील प्लांट का जो है ना एस्टेब्लिशमेंट किया था झारखंड में। कब इसका स्थापना हुआ था, तो 1907 में। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ना आपको उड़ीसा में है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है, उड़ीसा में। जमशेदपुर स्टील प्लांट कहाँ पे है, झारखंड में। दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। भिलाई कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में, एमपी में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में कहाँ तांबा, कहाँ पे तांबा उद्योग स्थापित है, तो मैंने राजस्थान के खेतड़ी में अभी बताया था। यही क्वेश्चन घूम फिर के जो है ना आपको अलग अलग से जो है ना घुमा फिरा के आपको राजस्थान का जो खेतड़ी वाला बेल्ट है, खेतड़ी वाला जो एरिया है, वहां पे आपको तांबा का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो है ना तांबा के खदाने हैं, तांबा के प्रोडक्शन के लिए आपको राजस्थान का खेतड़ी वाला एरिया फेमस है। निम्नलिखित में कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है, सीमेंट का मुख्य संघटक जो है ना आपको लाइमस्टोन है, आपको चूना पत्थर है। सीमेंट का जो मुख्य संघटक है वो क्या है, चूना पत्थर है। सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है आपको, चूना पत्थर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप वैसे विद्यार्थी को जो है ना सेंड कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियो जो है ना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब जैसा कि देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए ये आपको जितने भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद कीजिए, वीडियो अगर जो है ना आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वैसे अभ्यर्थी को फॉरवर्ड कीजिए जो इसका लाभ उठा सके और आपको इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो। धन्यवाद।